कुछ समय बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, सुबह से लगातार नतीजों पर हमारी नजरें हैं और आप तक सटीक नतीजे हम पहुंचा रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार रहेगी इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अगर हम सुबह से देखें तो लगातार धीरे धीरे करके अब स्थितियां स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन रुझानों में यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। रुझानों में यूपी में फिर एक बार योगी सरकार साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिल रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी स्थिति है। आप रुझानों में देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त नतीजे हैं। अगर हम बीजेपी को उत्तराखंड में देखें 42 मिल रहे हैं इस वक्त सीटें, और कांग्रेस 24 पर है, लेकिन अन्य खाते में सिर्फ 4 सीटें। आम आदमी पार्टी और बसपा का खाता खुलता हुआ वहां नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की अगर बात करें तो कांग्रेस बहुत कम सीटें कांग्रेस के पास है, 13, लेकिन अब ये शुरुआती रुझान है, इसमें बदलाव साफ तौर पर हो सकता है। ये स्टार्टिंग जो रुझान है वो अगर हम कहें तो सही रहेगा, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी फिर उपयोगी होते हुए नजर आ रही है और रुझानों में भाजपा लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का दांव इस बार चलता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी 88 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन भाजपा की अगर बात करें उत्तराखंड की तो वहां पर 46 सीटों पर बढ़त है। सीएम कैंडिडेट पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पिछड़े हुए वहां पर नजर आ रही है। मणिपुर की अगर बात करें तो वहां पर सीएम एम बीरेन सिंह 11,000 वोटों से आगे है। गोवा में प्रमोद सावंत इस वक्त पिछड़ते हुए नजर आ रही है। तो ये है और नतीजों पर लगातार नजरें हैं। इस बार एक बार फिर से क्या मोदी राज रहेगा या फिर इस बार देश में सियासी नक्शा बदलेगा, इस पर लगातार हमारी नजरें हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब की सरदार बनती हुई इस वक्त नजर आ रही है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एग्जिट पोलों में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी और रुझानों में भी ये स्पष्ट तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, एक पंजाब हाथों में था कांग्रेस के, वो भी पंजाब खिसकता हुआ नजर आ रहा है। यानी पंजाब में या कहीं कि अन्य राज्यों में अब कांग्रेस को समझना होगा और खुद को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाने की अब जरूरत है, एक अच्छा दल तैयार करने की जरूरत है। खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है, बीजेपी से बीएन झा लगातार बने हुए हैं, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस से, डॉक्टर आलोक कुमार सपा से और आलोक सिन्हा सीनियर जर्नलिस्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा आपके पास आऊंगी। कांग्रेस का तो हाल अगर हम रुझानों को देखें तो बेहाल नजर आ रहा है। पंजाब में कांग्रेस इतने समय से रही है, 5 साल का वक्त आपको दिया गया है और अब आम आदमी पार्टी आपके ऊपर चढ़ती हुई नजर आ रही है, पंजाब का सरदार बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करें वहां पर भी एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन उलट होता हुआ नजर आ रहा है, परिणाम बीजेपी को जिताते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए चुनौतियां हैं और अब एक रणनीति में बदलाव चाहती है कांग्रेस और होना चाहिए अब? रुझानों का पक्ष है, अभी आने में समय लगेगा, 4 बजे तक करीब पिक्चर सारी स्पष्ट होगी पंजाब और उत्तराखंड की क्योंकि बहुत छोटे मार्जिन पे सीटों की हार जीत का फैसला होगा। और ठीक है, अभी जो रुझान आ रहे हैं उस रुझानों के में उलट पलट हो रहा है, जहां पहले कांग्रेस आगे रही फिर बाद में कांग्रेस पीछे आई। तो मेरा मानना है कि अभी 4:30 बजे के करीब जाके इन दोनों स्टेट की पोजीशन पूरी तरह से साफ होगी, तो पता चलेगा कि यहाँ कहाँ जाके खड़े होते हैं पोजीशन को लेकर। लेकिन पंजाब में तो बड़ा मार्जिन है, हम देखें तो शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने शायद 5 साल में कोई काम नहीं कर पाई। वो जो मुख्यमंत्री पहले कांग्रेस का था, जब वो छोड़ के गया कांग्रेस को, तो कांग्रेस पूरी तरीके से भेदम हो गई है। ये नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं करा, अगर कांग्रेस ने काम नहीं करा तो इसका खमियाजा तो भाजपा को भी भुगतना पड़ा पंजाब में। अगर देश के प्रधानमंत्री का शीर्ष नेतृत्व और भाजपा जैसा नेतृत्व पंजाब में कुछ नहीं कर पाया तो प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि पंजाब जैसे स्टेट के अंदर भाजपा का कोई लहर नहीं और भाजपा के मतलब कांग्रेस के पास अपने लिए कोई बयान नहीं है, भाजपा के लिए बयान है। भाजपा पहले से ही पंजाब में नहीं थी सर, आप तो वहां पर थे 5 साल, आपने भी शायद वहां पर कुछ नहीं किया। चलिए बीएन झा के पास चलते हैं, बीजेपी का प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ है।
सर अगर बात करें बीजेपी की ही, तो जो मार्जिन बीजेपी ने दिखाया था 300 प्लस का नारा देकर बीजेपी आई हुई थी, हालांकि बीजेपी सरकार बनाती हुई तो रुझान बता रही है, लेकिन वो मार्जिन नहीं पार कर पा रही है, जिसका वादा दावा सीएम योगी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर अन्य नेता हो, करते हुए नजर आ रहे थे। जी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी 269 दिखा रहे हैं आप देखिएगा संध्या के समय 5 बजे तक ये 300 पार होगा। और मैं कांग्रेस के मित्र को एक बात बताना चाहता हूं कि अरे मित्र अब तो संभलो, कहते पंजाब में नरेंद्र मोदी नहीं कर पाया, तुम्हारा सरकार, तुम्हारे तीन तीन चार चार सीएम, तुम्हारा सब कुछ, अरे हार तो मानो, क्या अब भी केजरीवाल के साथ मंच साझा करके जश्न मनाओगे कि नहीं हमने बीजेपी को हरा दिया, क्या जैसे वेस्ट बंगाल में किया था, जाए और केजरीवाल के साथ पंजाब में मंच साझा करे और जश्न मनाए, अपनी हार की जश्न मनाए। कांग्रेस का निराधार खत्म हो चुका है देश से, देश ने नकार दिया है और इन्हीं सोच के कारण कांग्रेस को नकारा है। कांग्रेस को पंजाब में हार मिली है और कहता मोदी जी कुछ नहीं कर पाया, अरे घर तुम्हारा लूट रहा है और दूसरे के यहाँ सिपाहीगिरी करने में लगे हुए हो, पंजाब में खत्म हो चुके हो, गोवा में तो थे भी नहीं, मणिपुर में, उत्तराखंड में, कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अरे राहुल बाबा को संभालो, प्रियंका गांधी को उतार दिए यूपी में, 3 सीट दिखा दे रहा, शर्म करना चाहिए, चुल्लू भर पानी लेके कांग्रेस को डूब जाना चाहिए कि अभी भी यही कह रहे हैं कि पंजाब में मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। अरे मोदी जी देख रहे हो, जहां जहां सरकार थी वहां पुनः सरकार बन रहा है और मणिपुर में बेहतर हो रहा है, और क्या मोदी जी करेंगे। हाँ, शर्म तो आपको करना चाहिए। उत्तराखंड पर भी नजर डालिए, आपकी इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है, उत्तराखंड पर भी नजर डालिए, आप ही के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम देखिए कई कई बूथों पे होता है, आप इंतजार तो कीजिए, धामी जी जीतेंगे, चिंता ना करें, धामी जी बिल्कुल जीतेंगे। आप बहुत अच्छे न्यूज चैनल के एडिटर है तो आपको पता होगा, एंकर है, आपको पता होगा कि कई कई बूथों पे होता है कि वोट कम पड़ता है, कई पलट मारते हैं, वो मारेगा, आप देखिएगा पुष्कर जी सिंह धामी जी संध्या समय तक जीतेंगे। और उम्मीद है कि पुष्कर सिंह धामी पलटी मारे, नहीं पलटी मारेंगे तो फिर बहुत बड़ा पलटी मार इस वक्त हो जाएगा बीजेपी के लिए। लौटूंगी मैं आपके पास, डॉक्टर आलोक कुमार के पास चलते हैं, समाजवादी से इस वक्त मेरे साथ है। अखिलेश पर आखिर योगी भारी पड़ गए हैं। देखिए ममता जी बहुत अच्छे हमारे अभी साथी एक बात कह रहे थे, आवाज मेरी आ रही है मैडम? हेलो, आवाज आ रही है मैडम? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, आप बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए अभी मेरे बीजेपी के मित्र साथी कह रहे थे कि ये जो रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं वो तो स्थाई हैं, और जो लोग हार रहे हैं वो अस्थाई हैं, वो शाम तक रिजल्ट बदल सकते हैं। देखिए दरअसल है क्या कि लोकतंत्र में कभी कभी फैसले अंत तक आते हैं। आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा होगा मैडम, 1 बजे तक बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही थी और 1 बजे के बाद खिसकना चालू हुई और 70-77 सीटों तक रह गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी बैकअप करेगी, और आप देखिएगा क्योंकि ये अभी अंतिम परिणाम नहीं है, और 12-1 बजे के बाद आप देखिएगा किस प्रकार से समाजवादी अपनी बढ़त बढ़ाती है और एक बार बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में। मतलब उम्मीद है आपको, चलिए इंतजार करते हैं रुझानों का, लेकिन शुरुआती रुझान तो योगी आप पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक सिन्हा के पास चलते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ है। आलोक जी अगर हम शुरुआती रुझानों को देखें तो बहुत कुछ हम इससे बयां तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक तस्वीर ये बता रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को अच्छी बढ़त है और उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर दोनों में नजर आ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रहा है। देखें अगर पंजाब की बात की जाए, मैंने पहले भी कहा है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस की स्थिति हमेशा से खराब होती गई, 2014 के बाद कांग्रेस हमेशा से पिछड़ता गया, और पिछड़ने की वजह रही कि आपने अगर पंजाब में देखा तो इनका साल भर पहले की बात करें तो आपसी कलेश कितना हुआ,
कि कांग्रेस पहले भी नीचे जा चुकी थी और आपसी कलेश की वजह से और नीचे जाने लग गई। और पंजाब में जैसा कि आम आदमी पार्टी की बात करें तो इतने लोक लुभावों ने वादे किए आम आदमी पार्टी ने, और जब आम आदमी पार्टी के लोक लुभावने वादे के साथ जनता वहां की बदलाव चाहती है और बदलाव हो रही है, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंज आम आदमी पार्टी को अब आएगी कि क्या वो वादे पूरे कर पाते हैं या नहीं, या दिल्ली की तरह ही वादे करते रहे और पंजाब में भी वैसे ही वादे करते रहे। फिर भी आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली से पंजाब में भी अपना सरकार बनाने जा रही है और गोवा में भी एक सीट उन्होंने, जैसा कि आपका रुझान देख रहा हूँ, एक सीट गोवा में भी मिल रहा है। तो आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इस समय की अगर हम बात करें तो हो रही है। बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को बहुत अच्छा चांस मिला है। आप देखें 35 साल के बाद तकरीबन दोबारा बीजेपी, ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है 35 इयर्स के बाद कि दोबारा बीजेपी फिर से सरकार, दोहरी बार सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, लॉजिक नहीं बात। फिलहाल न्यूज रूम चलते हैं, सहयोगी अब्दुल इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्या बड़ी अपडेट अब्दुल इस वक्त निकलकर सामने आ रही है? नहीं, अपडेट बहुत सारी हैं। दरअसल इस समय पंजाब से सबसे पहले अपडेट है, पंजाब में कपूरथला में रुझानों के बाद नतीजे आ गए हैं, कपूरथला सीट से नतीजे आ गए। बड़ी खबर अभी हम फ्लैश करेंगे, कांग्रेस के राणा गुरजीत सिंह ने जीत दर्ज कर ली है, कांग्रेस को पहली सीट यहां पर मिल गई है कपूरथला विधानसभा सीट से। यह अपडेट अभी निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस के राणा गुरजीत सिंह ने जीत हासिल कर ली है, यानी कि जो रुझान है ममता वो नतीजों की ओर तब्दील हो रहे हैं। हमारे साथ पलक हैं और तमाम लोग हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी अभी 84 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 15 सीटों पर बढ़त बनाए है, श्रोमणी अकाली दल 10 सीटों पर आगे चल रही है, पंजाब में तीसरे नंबर पर है। और साथ ही साथ हल्का कांदिया का जिक्र करें, प्रताप सिंह बाजवा 400 वोट से लीड कर रहे हैं, गुरदासपुर से गुरबचन सिंह बब्बेहाली 1039 सीट से वोट से लीड कर रहे हैं, हल्का भोवा से 2600 वोट से लीड कर रहे हैं, जुग जोगिंदर पाल सिंह कांग्रेस के हैं, हल्का भोवा से ही 2600 से लीड कर रहे हैं जोगिंदर पाल कांग्रेस के। और बड़ी और अहम खबर दरअसल ममता इस वक्त ये है, कपूरथला विधानसभा सीट से रुझान के बाद नतीजे आ गए हैं। पलक जरा बताइए क्या कुछ और अपडेट्स हैं? अभी अभी आपको अपडेट दूं तो मनीष सिसोदिया जो है उनका बयान आया है कि पंजाब के जो लोग हैं उन्होंने दिल्ली मॉडल जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये जो जीत है ये आम आदमी की है, और साथ में उन्होंने ये बात भी कही कि अब ये नेशनल विन जो है ये पूरी नेशनल। ठीक है ठीक है, हमारे साथ इशफाक गौहर साहब भी हैं। गौहर साहब क्या अपडेट आपके पास, अपडेट क्या है? देखिए अपडेट्स तो बहुत है, अगर आप पंजाब से शुरुआत करेंगे तो बड़ी चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। पहले तो हम जो ट्रेंड बता रहे थे कि जनाब ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को ये भी दिखा सकते हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखना चाहिए, मैं दो तीन चीज़ें आपको दिखाऊंगा अभी। जैसे अमृतसर सेंटर पर सबकी नज़र थी, वहाँ पर क्या कुछ है इस वक्त, लेटेस्ट अपडेट जो है अजय गुप्ता आम आदमी पार्टी के लीड कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम दोबारा अमृतसर साउथ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको इंद्रजीत सिंह जो है वो लीड करते हुए नज़र आएंगे, आम आदमी पार्टी के हैं। इसी तरीके से संगरूर, अगर हम देखें पंजाब का संगरूर, संगरूर पर भी हम जरूर आप अपने व्यूवर्स को लिए चलेंगे कि संगरूर में भी रिजल्ट्स जो है वो इसी तरीके से। ये आपका चमकौर साहब जहां पर जो हॉट सीट मानी जा रही थी, तो यहां पर क्लियर कट है जी, सिंह साहब के जीतने के बड़े कम चांस हैं, और यहां पर लीड जो है वो बनती हुई आम आदमी पार्टी की नज़र आ रही है, झाड़ू ने यहां पूरी तरह से सफाया कर दिया है। उसके बाद जब आप आगे चलेंगे जी, और फतेह फिरोजपुर रूलर ये भी एक इम्पॉर्टेंट, या फजिलका की और फतेहगढ़ साहब की, तब चलिए फतेहगढ़ ये देख लीजिएगा, फतेहगढ़ साहब में जहाँ पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है लखबीर सिंह राय, ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था एक ज़माने में जनाब अकाली दल और कांग्रेस का भी बीच बीच में। फिर जब आप इसको और खंगालने की कोशिश करेंगे जहां पर भी आप देख रहे हैं, तो जलालाबाद सीट को जाएंगे जहां पर सबकी ये नज़रें थी कि शायद डेरा का कोई गेम यहां चलेगा, वो भी नज़र नहीं आ रहा है। जलालाबाद में भी जगदीप सिंह जो है आम आदमी पार्टी साहब के, वो फिलहाल मैं अब यूपी का अपडेट आपसे लूंगा कुछ ही देर में। मैं उत्तराखंड चल रहा हूँ, ज़रा मुझे बताइए उत्तराखंड में क्या अपडेट है विशाखा? जी बिल्कुल अब्दुल, देखिए फिलहाल के जो अपडेट्स हैं उसमें बीजेपी को इस समय बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस जो है इस समय सेकंड लीड पर है। अगर मैं बात करूं सीटों की तो लगभग 44 सीटें फिलहाल बीजेपी लीड कर रही है, कांग्रेस 22
से 23 सीटों पर अभी लीड कर रही है। और मैं अभी जो अपडेट दूं आपको, होट सीट के अनुसार अगर मैं आपको कहूं तो जो फिलहाल पिछले कुछ दिनों से लगातार जो होट सीट बनी हुई थी लेस डाउन, जहां से हरक सिंह रावत ने राजनीति, आप समझे कि चुनाव से जहां पीछे हट गए वो और अपनी पुत्र वधु को उन्होंने उतारा, वहां से लेस डाउन से अनुकृति गोसाई फिलहाल 2000 वोटों से पीछे है। अनुकृति गोसाई पीछे है और देखिए जाहिर तौर पर वहां पर जो महंत दिलीप सिंह रावत हैं वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जितनी भी जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। ठीक है, बीजेपी बढ़त बनाए है उत्तराखंड में, लगातार बीजेपी बढ़त बनाए है। इश्फाक गौहर साहब के उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। इश्फाक गौहर साहब, उत्तर प्रदेश का भी कुछ हाल बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश में जो टॉप सीट्स आप किए हैं, योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट थोड़ी देर में होनी है इनकी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट थोड़ी देर में होनी है, इनके 7-8 राउंड्स मुकम्मल होंगे। तो ये मेरा जो सिस्टम बता रहा है कि जनाब योगी आदित्यनाथ साहब की 1-2 मिनट में अनाउंसमेंट ऑफिशियल होनी है। अखिलेश के रुझान के बाद नतीजे आ जाएंगे, थोड़ी देर में यह नतीजे आने हैं। अखिलेश यादव बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी के साथ आगे जा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी आपकी लीड में है। केशव प्रसाद मौर्य नीचे जा रहे हैं, ये अगर जो थिन मार्जिन है 500 से 600 वोटों का ही है, लेकिन ये ऊपर उठ पाएंगे शायद मुझे इस पर काफ़ी कम नज़र आ रही है। संदीप सिंह एक बड़ा चेहरा माना जाता है, बीजेपी के खाते में जा रहा है, शाहिद मुंजा ये जनाब समाजवादी पार्टी के थे वापस आ रहे हैं, जनाब ट्रेल हो रहे हैं ये। इसी तरीके से ये सारे लीड्स जब आप देखेंगे एक एक करके तो पता लगेगा कि बड़े चेहरे भी जो है, आजम खान तो क्लियर जेल में थे खुद, चुनाव में नजर नहीं आए, लेकिन बेटे ने इनका कैंपेन बड़ा दमोदमेदार किया है, वो वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से इन पर कंवर साहब जो थे, कंवर सिंह साहब, ये बीजेपी के टॉप लीडर्स में माने जाते हैं, वहां पे इनका ट्रेल हो गया है। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कहीं कहीं पर आपको यहां पर देश जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, शिवपाल यादव जो ये माना जाता था कि ये यादव, शिवपाल यादव शुरुआत में पीछे चल रहे थे लेकिन अभी लीड कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, पहले ये माना जाता चूंकि अभी ट्रेंड चल रही था ना, अभी तो रिजल्ट आना बाकी, यहां पर पहले लग रहा था कि शायद ये नहीं आ पाएंगे, लेकिन 300 से 400 की लीड इनके पास अभी है। देन एसपी बघेल साहब नीचे चले गए हैं, जी आप अखिलेश के सामने नीचे चले गए हैं, तो फिर आगे आदित्य ये लीड कर रही है आपकी, और आगे जब आप देखेंगे तो पंकज सिंह, इसमें काफी डाउट था सबको कि क्या पंकज सिंह वहां से रिटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो फिलहाल हाँ स्विच करके आए थे तो शायद ये नहीं हो पाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मैनेज हो पाया, लेकिन थोड़ा पर ये अपडेट्स हैं कुछ। ममता, ओवर टू यू, क्योंकि कुछ अपडेट्स जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, दर्शकों को बताना चाह रहे थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लिहाज से कुछ देर में और अपडेट्स लेकर हम लोग न्यूज रूम से आप लोगों के बीच में होंगे। ममता, बिल्कुल अब्दुल, लगातार कहीं पर बीजेपी तो कहीं कांग्रेस अपना आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर इस वक्त पंजाब में एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ वापस आ रही है। लगातार खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक सिन्हा जी से मैं बात कर रही थी। आलोक जी, आप ही के पास आती हूँ। अगर हम देखें तो बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पर जरा नजर डालिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो पूरी तरीके से जमीन तराशने की कोशिश की अपनी रैलियों के माध्यम से, अपने बयानबाजियों के माध्यम से, आज सुबह भी मैं देख रही थी वो लगातार ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी देते हुए, कहीं ईवीएम चोरी हुई है, कहीं पर बैलेट पेपर मिलते हुए नजर आ रही है, ये रणनीति इस वक्त चुनाव से पहले हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन इन सबके बावजूद अगर हम देखें एक बार फिर से योगी अखिलेश पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखें ममता जी, आप सही कह रही हैं, फिर भी ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपने हमेशा से जब से देखा है ईवीएम का सबने गाना गाया है, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पहले से बहुत मजबूत हुए हैं, क्योंकि आज से पीछे की चुनाव की बात करें तो वहां पे माननीय मुलायम सिंह यादव जी की वजह से भी लोग सोचते थे कि उनकी पार्टी है और उन्होंने इस तरीके से आगे बढ़ाया पार्टी को, लेकिन मुलायम सिंह के जाने के बाद जब से अखिलेश जी अध्यक्ष बने उसके बाद से पार्टी मजबूत हुई है और आप देखें कि उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है, तो ये भी अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है, इसको हम नकारें। लेकिन अगर हम अब जरा उत्तराखंड पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रहा है, बहुत कांटे की टक्कर वहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार, आप देखें आपदा के समय पे भी बीजेपी ने डटकर वहां पे जनता के साथ खड़े होकर कदम से कदम मिला के जनता के भलाई के लिए कार्य किया है, जिसका फायदा इनको मिल रहा है। और देखें सभी लोग जानते हैं, आज के तत्कालीन हम अगर बात करें कि स्टेट में चुनाव हो रहा है तो वो बिल्कुल सही है कि स्टेट में चुनाव हो रहा है, लेकिन हम स्टेट के हिसाब से वोटिंग नहीं कर रहे हैं, हम
सीधा मोदी को देखकर वोट कर रहे हैं, तो देश के हिसाब से वोटिंग कर रहे हैं। और आप देखें कि हमारा देश पहले से बहुत मजबूत हुआ है, इस वजह से जो वोटर हैं, वोटर का मिजाज और माइंड बिल्कुल चेंज हो चुका है और लोग बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोट करना चाह रहे हैं। और बीजेपी आप देखें, चाहे हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में भी बीजेपी बहुत ज्यादा देश को मजबूती में लेकर आई है, तो इसका फायदा मिलेगा। अगर जो काम करेगा उसका फायदा मिलेगा। और कांग्रेस को सोचने का समय है, क्योंकि अगर अभी नहीं सोचे तो कभी भी नहीं सोच पाएंगे, ऐसी हालत हो जाएगी उनकी। कांग्रेस को सोचने का समय है। चंद्रमोहन शर्मा जी, अगर मैं आपसे जब कांग्रेस पर सवाल पूछती हूं कि कहां पर सिमटती हुई नजर आ रही है, कहां पर मुश्किलें हैं, तो आप इसका पलड़ा बीजेपी पर डालते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी पार्टी को इस वक्त मजबूत होने की बहुत जरूरत है और इस वक्त कहीं ना कहीं एक नेतृत्व की कमी नजर आ रही है? आने वाले समय में राजस्थान में भी चुनाव है, प्रश्न है इसका कि नेतृत्व की कमी नजर आ रही है, तो उसका जवाब आप देंगे। नेतृत्व की कमी नजर नहीं आ रही, कहीं मुद्दों कि बात जनता नहीं समझ पा रही, ये मैं मान सकता हूँ। क्योंकि ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और कांग्रेस नेताओं ने मुद्दे नहीं उठाए हैं, मुद्दे उठाए हैं जो आज की जरूरत के मुद्दे थे, लेकिन उन जरूरतों के मुद्दों के अंदर अगर झूठ सच बन के कानों में डाला जाए और कानों में डाला जाए और उसको जनता मानती है, तो जनमत का अधिकार है और जनमत का निर्णय मान्य होगा। अभी तो रुझानों पर जा रहा है और उसके ऊपर नजर भी है पार्टी की, पार्टी के नेता उस पर लगातार नजर भी रखे हुए हैं, क्योंकि जहां चुनाव होगा वहां एक का जीतना और एक का हारना स्वाभाविक है। अगर कोई प्रश्न खड़ा होगा तो उसका जवाब देना अंचल जी स्वाभाविक है, बनना देना पड़ता है, दिया जाना चाहिए। कि ये मतलब नहीं है कि आप कहें कि हार रहे, कोई बात कटाक्ष करे और उस कटाक्ष का जवाब भी ना दें, तो ये तो कोई प्रश्न नहीं होता है। हाँ, ये ठीक है कि आज पांच सूबों का चुनाव था, पांच सूबों के चुनाव में एक जगह हमारी सरकार थी, तो उसमें हमारे कई डिसीजनों में कमी रही, उन डिसीजनों की कमी के कारण भी हमारा, यही तो मतलब मेरा है, डिसीजनों में कमी नेतृत्व ही तो करता है और नेतृत्व की कमी है, ये मानना पड़ेगा कांग्रेस को। लौटूंगी मैं आपके पास, फिलहाल जरा पठानकोट चलते हैं जहां से तेजिंदर सिंह इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं। तेजिंदर, दरअसल अश्विनी शर्मा के कार्यालय के बाहर पर है, अश्विनी शर्मा बीजेपी से कैंडिडेट है और वहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे, कैसा माहौल है? तेजिंदर जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट हैं अश्विनी शर्मा और बीजेपी किस तरीके से पंजाब में है वो इस वक्त हमें हालात पता है, लेकिन बावजूद उसके अश्विनी शर्मा की जीत होना एक अच्छा फैक्टर है। लौटूंगी संवाददाता के पास, लेकिन पठानकोट से जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट अश्विनी शर्मा की जीत हुई है, लेकिन हाँ बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर है पंजाब में। बीएन झा अगर हम देखें तो पंजाब में भी मजबूती हो सकती थी अगर शायद शिरोमणि अकाली दल, पुराना जो गठबंधन है, वो साथ होता। मैं पहले भी बताया, अभी बताया, बीजेपी अपने दम पे आती है, अकाली दल हमारे साथ थे, अलग हो गए, नतीजा देख रहे हैं क्या है। आप एक बात देखें कि कांग्रेस के साथी अभी जो कह रहे थे, मैं बड़ा गौर से सुन रहा था, अगर वो पंजाब में सिर्फ निराशा क्यों दिखाता है, यूपी में गांधी परिवार के श्रीमती प्रियंका वाडेरा गांधी जी उपस्थित रही, पूरा चुनाव 3 महीने से एड़ी चोटी एक कर दी, लेकिन यूपी में क्या नतीजा है? कांग्रेस के लिए ये ब्लैक डे से कम नहीं है मैडम। और बीजेपी जहां थी, आप यूपी में इतिहास लिखने जा रहे हैं, हम लोग मैडम इतिहास लिखने जा रहे हैं यूपी में, पिछले कई वर्षों से आप देखें, दशकों से देखें, तो सरकार जिसकी रही है उसकी सरकार दोबारा नहीं बनी, लेकिन योगी बाबा प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं और देश अब बदल गया है। इसलिए खुद कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को देख के और विकास की राह, विकास का मॉडल ये नहीं होता है कांग्रेस जो करते थे कि पैसे बांट दिए, गांव के गरीबों तक नहीं पहुंचता था,
मोदी जी के राज में विकास का मॉडल जो है वो अमीर और गरीब की दूरी को कम करना है, उसको जनता ने समझा है और इसीलिए आज चार राज्य में हम फिर से परचम रहने जा रहे हैं। चलिए ये अच्छा है, देखना होगा क्योंकि अभी तो शुरुआती रुझान है। आप ही कह रहे थे जहां पर आप पिछड़ रहे हैं वहां पर शुरुआती रुझान है और जहां पर बढ़त बना रहे हैं वहां पर लग रहा है कि नहीं अब योगी बाबा ही आ जाएंगे। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास, फिलहाल जरा हमारे संवाददाता के पास जुड़ते हैं, पठानकोट से तेजिंदर सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। तेजिंदर तस्वीरें दिखाइए, बीजेपी के कैंडिडेट अश्विनी शर्मा की जीत वहां पर होती हुई नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है? लीड विनिंग करके हैं, अभी बस वो बाहर निकलने वाले हैं, वो उनके जो कांग्रेस के जो जितने भी बार उनके समर्थक हैं उनमें बहुत खुशी है और ढोल पर नगाड़े बज रहे हैं और भंगड़ा डाला जा रहा है, अभी बस वो 2 मिनट में बाहर आने वाले हैं। बिल्कुल तेजिंदर, सामने कौन था अश्विनी शर्मा के और कितना कितना वोट का आंकड़ा नजर आ रहा है? अश्विनी शर्मा से जो सीधी टक्कर थी वो थी कांग्रेस के जो अमित विज थे और आपके बबूती शर्मा थे और बट उन्होंने बीजेपी ने कांग्रेस के अमित विज को काफी बड़ी लीड से 75-100 की लीड से हराया है जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है क्योंकि पठानकोट में हमेशा ही बीजेपी का दबदबा बना रहा है। चलिए ठीक है तेजिंदर, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। अब जरा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, लखनऊ में कैसी हलचल है वो आपको दिखाते हैं क्योंकि आज जब इस वक्त नतीजे सामने आ रहे हैं तो उत्साह है साफ तौर पर। जरा ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी ऑफिस के बाहर लखनऊ की है, जश्न अभी से ही होली का गुलाल उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये जश्न की तस्वीरें इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर से नजर आ रही है, सब भगवामय होते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में बीजेपी के झंडे हैं और साथ ही साथ होली का गुलाल उड़ता हुआ वहां पर नजर आ रहा होगा आपको तस्वीरों में। इस वक्त जश्न का माहौल बीजेपी कार्यालय के बाहर पर है क्योंकि कल की रात बहुत कठिन बीती है लेकिन आज की रात बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है बीजेपी के लिए। शुरुआती रुझान जो बीजेपी के नजर आ रहे हैं वो साफ तौर पर उत्साहपूर्वक नजर आ रही है। अब जरा चंडीगढ़ की तस्वीरें देखिए, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में भी खुशियां मनाती हुई इस वक्त नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली के बाद पंजाब में मजबूत हो रही है ये साफ तौर पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के चेहरे पर खुशी होती हुई नजर आ रही है। पिछले बार कुछ आंकड़ों से चूकी थी लेकिन इस बार बहुत बड़े आंकड़े के साथ बहुत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और शुरुआत रुझान तो साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी के पार्टी के कंपैरिजन में इस वक्त कोई भी वहां पर होता हुआ नजर आ रही है। ये देहरादून के बीजेपी कार्यकर्ताओं किस तरीके से देहरादून के ऑफिस के बाहर जश्न मनाते हुए नजर आ रही है, अभी से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है और इस वक्त साफ तौर पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता कितना खुश है। लेकिन जहां पर बीजेपी अभी शुरुआती रुझान में आगे है लेकिन ये शुरुआती रुझान है, अभी दिन ढलने के साथ साथ ही रुझानों में परिवर्तन साफ तौर पर होता है लेकिन फिलहाल की तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। ये है स्वाभाविक है, स्वाभाविक लोग बोलते रहते हैं अपना अपना एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं लेकिन जनता जनार्दन ने जिस प्रकार का आशीर्वाद दे चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो उसको जनता जनार्दन का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और राज्य के अंदर शांति की व्यवस्था रहनी चाहिए, शांति कायम रहे और सभी लोग मिलकर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहिए और गरीबी से लड़ना चाहिए, गरीबों का विकास करना चाहिए, गरीबों को खुशहाल रखना चाहिए और दलित शोषित वंचित है पिछड़ा है बहुत दिनों तक संघर्ष करता है ये सबों को आगे बढ़ाना चाहिए और व्यापारी हैं व्यापारी में खुशी रहे, नौजवानों को रोजगार की बात है, बेटियों का सम्मान, तो ये सभी का एक तरह का सभी मिलकर लोग जितने भी विधायक बने किसी दल के हों सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और जनता का काम करना चाहिए, जनता जनार्दन का और विकास करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, मतलब कुछ आत्मचिंतन करने की भी जरूरत है आरोप लगाने की वजह? मैं यही कहूंगा 5 साल यदि आप दिखते रहेंगे जनता के बीच में और जनता और मिलकर सत्ता पचेने की रोज रोज कोशिए कुछ करिए ऐसा नहीं रहता, सत्ता पर विपक्ष मिलकर दोनों, जैसे केंद्र के अंदर राहुल जी को कुछ ना कुछ बोलना है, भाई मोदी जी इतने काम कर रहे हैं इतने विकास कर रहे हैं एक आध बार प्रशंसा भी करो, आप संगठन चलाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि विपक्ष है तो हम कह देंगे नहीं ये
जनता को बचाने कोरोना जैसे महामारी में अखिलेश जी कितना खराब बोले कि मोदी का टीका है और तीसरी लहर में लोग बच गए, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाती देश का और राज्य का। आज हाँ, आज टीका के कारण बच गए, गरीब भूख से नहीं मरा भाई, भूख से बच गए। 15 करोड़ को अन्न देना कोई छोटी मोटी बात नहीं, और महीने में 2 बार देना और 2 साल से देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि ईमानदारी से के साथ जनता की सेवा करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का नारा था कि अखिलेश आएंगे के नारे पे आएंगे, फिर योगी ही कारगर होगा। कारगर और जनता जनार्दन से ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए किसी भी नेता का। मतलब ये न लगना चाहिए कि आप बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, महलों में रहते हैं और आप 2 साल में अपनी कोठियां दिखाने लगे। थोड़ा जनता जनार्दन के सामने बचना, ईमानदारी दिखना चाहिए, ईमानदार रहना भी, सेवा भी करना दिखना चाहिए। मेरा यही सुझाव। छवि की बात आप लोगों ने कही थी जिसमें कुछ लोगों को टिकट भी मिले जिसपे भी आप लोगों ने सवाल लगे, आपको लगता है कि क्या वाकई माफिया हो या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर की भी बात चली थी इसमें, अब आप देखिए आगे बढ़े? कुल मिलाकर हम लोग जनता की सेवा करेंगे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और संगठन दोनों मिलकर जनता की सेवा करेंगे। आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है, संगठन का परिश्रम की पराकाष्ठा है। लोग कानून है आज भी रहेगा, कानून की व्यवस्था रहेगा। तो कानून व्यवस्था और तमाम मुद्दों पर बीजेपी को वोट मिल रहा है, स्वतंत्र देव सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।